अमीर बनने के पांच नियम, चाणक्य नीति, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चाणक्य नीति बहुत ही फेमस नीति है और आचार्य चाणक्य जी ने बहुत सारे नियम जीवन जीने के बारे में बताया है। यदि आपको अमीर बनना है तो यह पाँच नियमों का पालन करो, आपको पैसा कमी नहीं पड़ेगा, कम ऐसा वो बोलते रहते हैं। तो क्या है, तो नंबर एक है कि आपका घर जो है वो हमेशा बहुत ही साफ सुथरा रहना चाहिए, क्लीन एंड नीट। लोगों का घर ऐसा रहता है कि बिल्कुल ही खराब है, गंदा है, कहीं कपड़े पड़े हुए हैं, साफ सफाई नहीं है, किताबें कहीं पड़ी है, कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, सब गंदगी घर में, साफ भी नहीं करते रोज। हम तो देखते हैं कि भाई मैं किसी के घर में जाता हूँ तो भाई देखता हूँ कि उनका लैट्रिन बाथरूम कैसा साफ है, मतलब उस पर से मालूम पड़ता है कि ये कितने लोग साफ सफाई में ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं कोई भी होटल में जाता हूँ तो रूम नहीं देखता उसकी कैसी है, मैं देखता हूँ कि उसका लैट्रिन बाथरूम कैसा है, बाद में मैं होटल की रूम बुक करता हूँ। तो जो भी है हम पहले देखना चाहिए कि साफ सफाई कैसी है। जो लोग साफ सफाई घर में रखते हैं वो हमेशा अमीर होते हैं, क्योंकि वो साफ सफाई जब इतनी अच्छी रखते हैं, घर साफ सुथरा रखते हैं, खुद नीट एंड क्लीन है, तो डेफिनेटली पैसे के बारे में भी वो वैसे रहेंगे। तो ये पहला नियम है कि अपना घर, मकान, आजू बाजू का सब एरिया पूरा साफ सफाई, नीट और क्लीन रखना है, नंबर एक। नंबर दो, ऐसा बोला जाता है और हमेशा हम हमारे लेक्चर्स में बोलते रहते हैं, दान धर्म करो और ऊपर वाले को अपना पार्टनर बनाओ। अलग अलग धर्मों में अलग अलग परसेंटेज बताया हुआ है, कोई धर्मों में 2.5% है तो कोई धर्मों में 10% है, 10% है कि भाई अपने कमाई का, अपने जो नेट कमाई बचती है, मतलब खर्चे मिर्चे जाके, उसका 2.5% जकात के रूप में दिया जाता है, या फिर 10% कोई धर्म में बताया गया है कि वो दान धर्म करो, लोगों को दो, और लोगों को मतलब ऊपर वाले को, ऊपर वाले देने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला लोगों में है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मंदिरों में जाओ और वहाँ पेटी में दान करो। एक्चुअली मंदिर जो है हमारे, या मस्जिद जो है, या गुरुद्वारा भी है, बहुत अमीर है, मतलब वहाँ जाके पेटी में डालने में कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक हो सकता है कि जहाँ जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, कोई अनाथाश्रम चला रहे हैं, मतलब ऐसे कोई, तो वहाँ ठीक है, देने में हरकत नहीं है। अदरवाइज यदि वो मंदिर मस्जिद मतलब कुछ चलाता नहीं है तो फिर मतलब क्या देने में, लोगों के ऊपर खर्चा करो, लोगों को दान करो। तो ऊपर वाले को दान करो मतलब लोगों को दो, लोगों में भगवान देखो, लोगों में ऊपर वाला देखो और उनको दे दो, तो आपका बहुत ही अच्छा होगा, फल फूलेंगे आप और अमीर बनेंगे, नंबर दो। नंबर तीन जो है वो ऑनेस्टी से पैसा कमाओ। क्या होता है कि डिसऑनेस्टी, अप्रामाणिकता जब होती है तब हम अप्रामाणिकता से पैसा कमाते, तुरंत पैसा आ जाता है अप्रामाणिकता से, और पैसा आने के बाद में लगता है कि नहीं ये तो चल गया, ये तो कामयाब हो गए, पैसा तो फटाफट आ रहा है, मगर लंबे समय तक पैसा अप्रामाणिकता से आता नहीं है। लोगों को जब मालूम पड़ जाता है कि नहीं ये प्रामाणिकता यहाँ नहीं है, तो लोग धीरे धीरे दूर जाते हैं और वो कभी वापस नहीं आते हैं। देखिए, एक समोसा बेचने वाला है हमारे यहाँ, एक है कि जो रोज के 5000 समोसे बेचता है, गरम गरम समोसे बहुत फेमस है, 5000 समोसे रोज कम से कम 5000 बेचते रहता है। अब उसने ऐसा किया ना कि भाई मैं जो तेल जो देता हूँ, तेल में जो समोसे निकालता हूँ, वो तेल में थोड़ा सा भेसल युक्त तेल वापर लिया, या थोड़ा कम प्रति का तेल वापर लिया, शायद किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, और उसका हो सकता है कि उसका 100 रुपया रोज का और बचेगा, जितना उसको बचता है उससे ज़्यादा 100 रुपया का रोज का बचेगा। उसको लगेगा कि ठीक है 100 रुपये बच गए, मालूम नहीं पड़ा, 5000 का बिक्रा तो वैसे का वैसा कायम है, 5000 समोसे आज भी चले गए, कल थोड़ा सा और भेसल कर देता है वो, और तभी भी लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें कोई भेसल हो गई है या मिक्सचर हो गया, तो उसको लगता है चलो आज भी ख़त्म हो गया, आज भी बच गए 200 रुपये, आज और ज़्यादा के बच गए, ज़्यादा के। मगर होता क्या है कि लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि कुछ तो भी खराबी है, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। कस्टमर जो है ना बहुत होशियार रहते हैं, उनको मालूम होता है कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी खराबी हो रही है, धीरे धीरे दूर जाना चालू हो जाते, वापस नहीं आते कभी भी। इसलिए थोड़ा भी मिक्सचर मत करो, थोड़ा भी कुछ उसमें डालो मत, थोड़ी भी डिसऑनेस्टी मत करो। लोग बोलते हैं थोड़ा सा क्या तो चलता है, नहीं थोड़ा सा क्या तो नहीं चलता है। देखो, आप कोई रेस्टोरेंट में गए और अच्छा अच्छा बहुत ही शानदार सूप लेके आ रहा है वो आपके तरफ, बहुत ही सूप अच्छा है, बहुत फेमस होटल है, फेमस होटल का सूप आपके तरफ ला रहे हैं, वो लाने वाला वेटर जो है पसीने से तर है, और एक बूंद पसीना यदि वो सूप में गिर गया और वो आपने देखा एक ही बूंद गिरा है, तो क्या आप वो सूप पियेंगे? बिल्कुल नहीं पियेंगे। नहीं, ऐसा एक बूंद गिरा तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको, आपने देखा नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, मगर देखा तो आप वो सूप नहीं लेंगे। क्यों नहीं बोले? एक बूंद तो चलता है ना वैसा, तो ऐसा नहीं चलता है वो, वैसा थोड़ी भी अप्रामाणिकता चलती नहीं है, तो वो बाजू रखो। तीसरा नियम हो गया।
चौथा जो है वो हमेशा पैसे का सम्मान करो। पैसे का सम्मान करना चाहिए। हम पैसे को गलत जगह पे खर्चा करते हैं, नहीं चाहिए वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च करते, जरूरत नहीं वहाँ खर्चा कर देते हैं और फिर भुगतना पड़ता है। हरदम देखो स्टिंजीनेस मतलब बहुत कंजूस रहना और पैसा वाजवी देना, वाजवी दाम देना या वाजवी खर्चा करना, इसमें फ़र्क होता है। कंजूस जो है वो आदमी बैठा हुआ है तभी भी फ़ैन बंद करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, और जो वाजवी खर्चा करता है रैशनल है, और जो कंजूस नहीं है मगर जो परफेक्ट है वो आदमी देखेंगे कि बाजू के कमरे में कोई बैठा नहीं तो वहाँ का फ़ैन बंद करो, यहाँ चालू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा पैसे का है कि जरूरत नहीं है वहाँ खर्चा करने में मतलब नहीं है। जो काम 100 रुपये में होता है उसके लिए 200 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है और बहुत बड़प्पन बताने की जरूरत नहीं है। लोग बड़प्पन बताने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते, अपनी ताकत नहीं है तभी भी शादियों में खर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, लोग 13वीं में भी खर्चा करते हैं बताने के लिए कि हम कितने लोगों को बुला सकते हैं और कितना जो गया वो कितना फेमस आदमी था, 13वीं में लोग खर्चा करते बताने के लिए कि हम कितने अमीर हैं। तो ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई अमीर गरीब कुछ होता नहीं है, खर्चा करके कुछ मतलब नहीं है। तो जहाँ खर्चा करना है वहाँ खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी प्लान करने के पहले योजना बनाइए, प्लानिंग करो। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि 5 मिनट का यदि आप प्लानिंग करते हैं तो आपका 1 घंटे का समय बच सकता है, तो इसके लिए प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप प्लानिंग करते कि भाई कल का दिन जो मेरा है वो कैसा बीतने वाला है, कल मैं क्या क्या करने वाला हूँ, एक एक घंटे का प्लानिंग करके आप काम बराबर उसका योजनाबद्ध तरीके से उसको डालते वो टाइम स्लॉट में, तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और सिर्फ कल का ही नहीं, 1 हफ्ते में आने वाले हम क्या क्या करने वाले, और 1 महीने में आने वाले काम क्या करने वाले, 1 साल में क्या क्या करने वाले, और वो यदि काम आपके नज़रों के सामने आप रखते हैं, आपकी विश जो है वो आपकी एक विश लिस्ट बना के वो भी आपके नज़रों के सामने रखते हैं, उसको देखते हैं रोज और वो बराबर शेड्यूल में डाल देते कि कौन सा काम कौन सा कब कब करना है, तो आपकी विश लिस्ट है वो भी पूरी हो जाएगी, काम भी पूरे हो जाएंगे और आप डेफिनेटली अमीर बनने से आपको कोई रोक सकता नहीं। तो योजना बनाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई व्यक्ति ने कहा है कि मैं यदि 8 घंटे काम करता हूँ तो उसके पहले कम से कम 1 घंटे के ऊपर 6 मिनट मतलब 8 घंटे के 48 मिनट मैं उसका प्लानिंग करता हूँ, ताकि मेरा 8 घंटे का काम जो है वो एक्चुअली 18 घंटे का हो जाता है। तो ये करो, प्लानिंग करो, डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। ये चाणक्य नीति, चाणक्य नियम बताए हुए जो मैंने आप तक लाए हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।